डियर स्टूडेंट आज हम फिफ्थ राइट right पढ़ने जा रहे हैं जो की है रीडिंग फॉर प्लेयर तो हम देखेंगे रीडिंग फॉर प्लेयर होता क्या है और ये क्यों अहम है सो so आपको पता कैसे चलेगा की इट इज रीडिंग फॉर प्लेयर यहाँ पे लिखा हुआ है सो चेक इट आउट टू रीड फ्रीली वॉलंटियरली एंड विद डिलाइट दैट इज द क्राइटेरिया फॉर रीडिंग फॉर प्लेयर इसका मतलब ये है कि जब हम बच्चों को रीडिंग के लिए किताबें देते हैं बच्चे ख़ुद अपनी मर्ज़ी से चूज़ करते हैं तो वो ये डर नहीं रहे होते कि इस पर हमारा कोई इम्तहान होगा या इस पर फॉलोअप होगा या कल हमने इसका टेस्ट देना है या क्लास में जाके रीडिंग करनी है तो जब वो इन तमाम फैक्टर से निकल जाते हैं तो वो किताब को चूज़ करते हैं इन्जॉय करने के लिए पढ़ने के लिए एक अच्छा टाइम पास करने के लिए तो दैट इज़ वॉलंटियर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दूसरी इम्पॉटेंट चीज़ ये आती है कि उनमें कोई परसेप्शन नहीं होता कि हमें इसको कैसे किसी अचीवमेंट टेस्ट के साथ रिलेट करना है और बच्चे अपनी मर्ज़ी से अपनी मर्जी के ऑथर्स चूज़ करते हैं अपनी मर्जी का जॉनरा चूज़ करते हैं फॉर्मेट चूज़ करते हैं स्टाइल चूज़ करते हैं और लैंग्वेज चूज़ करते हैं कि वो उर्दू में पढ़ना चाहते हैं ये फेवरेट किताब उनकी पंजाबी की है या ये फेवरेट किताब उनकी अपनी मदर लैंग्वेज की है या इंग्लिश की है सो इट गिव दम एक्चुअली आ फ्रीडम टू चॉइस एज वेल सबसे इम्पॉर्टेंट और चीज़ जो कि हमें बताएगी और डिफ़ाइन करेगी कि वॉट इज़ प्लेयर और कैसे हम इंश्योर करें कि इट इज़ रीडिंग फॉर प्लेयर कैन हैपन एनी वेयर एनी टाइम एंड एट एनी एज किसी भी उम्र का शख्स जब कोई इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ता है वो किसी भी टाइम पढ़ सकता है ख़ुद मर्ज़ी से चूज़ करता है वो बड़े भी होते हैं छोटे भी होते हैं इसकी बहुत सी एग्ज़ाम्पल्स uh, हो सकती हैं एक कॉमन एग्जाम्पल है लतीफ़े हमारे यहाँ हर उम्र के लोग लतीफ़ों को पढ़ते हैं चाहे वो बच्चों की किताबों में हों या बड़ों की किताबों में हों या आप ह्यूमर से रिलेटेड कॉमिक्स पढ़ते हैं और उसको इंजॉय करते हैं तो फैमिली में जब पेरेंट्स या टीचर्स स्कूल के अंदर ये सारी चीज़ें बच्चों को करते हुए दिखते हैं तो बच्चे खुद समझ जाते हैं कि वॉट इज़ एग्जैक्टली रीडिंग फॉर प्लेयर और टीचर्स ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जब बच्चे अपनी मर्जी से किताबें चूज़ करते हैं इंजॉय करते हैं उन्हें ओन करते हैं तो एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि उन्हें हेल्प करता है रीडिंग स्किल्स डेवलप करने के लिए और लिटरेसी स्किल्स डेवलपमेंट के लिए प्लेयर कैन नॉट बी मैयर इजिली ऑन अ स्टैंडर्ड टेस्ट प्लेयर को एक्चुअली हम किसी भी स्टैंडर्ड टेस्ट में किसी भी फॉर्मेटिव या सबमेटिव असेसमेंट में मैय नहीं करते और ना ही ये मैयर हो सकता है इतनी आसानी से तो so, बुनियादी मकसद प्लेयर का क्या है प्लेयर जो है अगर बच्चा उसे इंजॉय करता है बच्चा उसे शौक से कोई किताब चूज़ करता है तो वो प्लेयर उसे हुक् कर देता है बच्चे को कि वो पूरी किताब को इंटेलेक्चुअल इंगेजमेंट के साथ पढ़े उसे कॉम्प्रिहेंड करे कि इसमें क्या लिखा हुआ है उसको क्रिटिकली सोचे कि क्या ये जो लिखा है ये अच्छा है या बुरा है या उसकी ओपिनियन उससे एग्री करती है या डिसएग्री करती है और वो एक ऐसे बच्चे को जो रिलक्टेंट रीडर होता है लाइफ लॉन्ग रीडर बना देती है बुनियादी तौर पर प्लेयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि जब हम यंग बच्चों को रीडिंग मटीरियल देते हैं और रीडिंग शुरू कराते हैं तो वो बच्चों को एक अच्छा रीडर बनने में मदद करती हैं हमारी रिसर्च फाइंडिंग ये बताती है कि प्लेयर जो है बुनियादी तौर पे स्ट्रॉली एसोसिएट करता है आपके इंटेलेक्चुअल इंगेजमेंट से बच्चे शौक से पढ़ते हैं बच्चे इंटेलेक्चुअली टोटल इंगेज होते हैं करेक्टर में कि क्या हो रहा है उसके अलावा ऑफ कोर्स रीडिंग के जो बाकी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से और अहम चीज़ें पैदा होती हैं वो ये है कि रिच विकैबलरी बच्चों की डिवेलप होती है बच्चों की अंडरस्टैंडिंग टेक्स के बारे में बेहतर हो जाती है वो अच्छे तरीके से क्रिएटिव तरीके से सोचना शुरू हो जाते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि उनकी एम्पथी डेवलप होती है बाकी लोगों से जो उस कहानियों में रिप्रेजेंट किए जाते हैं और वो उनको माशरे में भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो रीडिंग विद प्लेयर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो रिलेक्टेंट लर्नर को एक पैशनेट लर्नर बना सकता है और आपकी जो नेगेटिव एक्सपीरियंसिस हैं जैसे स्कूल में हमें फोर्स रीडिंग करवाई जाती है या डर के मारे रीडिंग करवाई जाती है इसको खत्म कर देता है प्लेयर और एक इन एक्सपीरियंस जो है बच्चों को देता है सो वॉट इम्पॉर्टेंट फैक्टर गेटिंग इन टू द फ्लो ऑफ रीडिंग हैज सिग्फिकेंट पॉजिटिव बेनिफिट ऑफ स्टूलेटिंग माइंड एज वेल एज इमोशंस जब हम किसी चीज़ को बहुत शौक से पढ़ते हैं तो ना सिर्फ वो हमें इंटलेक्चुअली इंगेज करता है एनरिच करता है बल्कि वो हमें इमोशनली अपने आप को और दूसरों को समझने में भी बहुत मदद करता है